हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट टू हम पढ़ रहे थे, काइनेमेटिक ऑफ फ्लो जिसका नाम है। पार्ट थ्री में हम देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल फ्लो। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल फ्लो। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक स्टीम ट्यूब बनाएंगे, दैट इज़ पाइप बनाएंगे। एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, एक्चुअली पाइप नहीं बोल सकते हैं, पाइप हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी पाइप का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं स्टीम ट्यूब। ये थोड़ा ऐसा बैंड टाइप का रहता है। अब ये बैंड क्यों है, स्टेट हमने क्यों नहीं लिया? हमने स्टेट पे तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा ना, फिर हमेशा हम जो प्रूफ करते हैं वो हमेशा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे पाइप अगर हमारा हल्का बैंड हो, वहां पे हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे बनेगा? तो वहां अगर हमें पता चल गया तो नॉर्मल का तो नॉर्मल ही होता है, ठीक है। तो हम ऐसा पाइप कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा स्टीम ट्यूब कंसिडर कर रहे हैं जिसका वेलोसिटी और वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियली हो, नॉर्मल ना हो, टेंजेंट हो, जो स्ट्रीम लाइन हो उसका, उसके टेंजेंट उसका वेलोसिटी बताए हमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमारा फ्लूइड का मैं लेयर बना रहा हूँ, ये हमारा फ्लूइड का लेयर। अब आप यहाँ किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी चेक करोगे ना, हमेशा क्या होगा, ये थोड़ा कर्व होने के कारण उसके ऐसे बताएगा, ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे, ये वेलोसिटी इसके लिए, ये वेलोसिटी, ठीक है। अब ये जो एरिया, इसे हम, ये क्रॉस सेक्शन को हम एम एन मान लेते हैं, इस क्रॉस सेक्शन को हम एम डैश एन डैश मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, इट इज रो ए वी, और जो रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ डिस्चार्ज बोलें या डिस्चार्ज बोलें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो ए वी सेम, क्योंकि रेट ऑफ डिस्चार्ज तो जहां से एंटर होता है और आउट होता है तो सेम होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, मास ऑफ फ्लूइड। अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे हमारा कितना मास ऑफ फ्लूइड यहाँ पे एंटर कर रहा है एट सेक्शन एम एन से, फिर हम देखेंगे मास ऑफ फ्लूइड कितना हमारा इस सेक्शन से बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। फिर हम नेट मास देखेंगे जो हमारा इसके अंदर बचेगा, ठीक है। इससे हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन बनता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग थ्रू सेक्शन एम एन, सेक्शन एम एन से कितना मास ऑफ फ्लूइड हमारा एंटर हो रहा, डेट इज रो ए वी, ठीक है। और मास ऑफ फ्लूइड लीविंग थ्रू सेक्शन एम डैश एन डैश इज इक्वल टू रो ए वी, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल एस रो ए वी डी एस। अब आप कहोगे ये इक्वेशन कहां से आया, रो ए वी हमारा मास ऑफ फ्लूइड एंटर हो रहा है, ये तो हमें पता दिख ही रहा है यहां पे, ठीक है। तो हमारा मास ऑफ फ्लूइड लीव हो रहा है, तो ये इतना अमाउंट ऐड क्यों हो जा रहा है उसमें, सही बात है। देखो हमारा कुछ फ्लूइड एंटर हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होते जा रहा था, कुछ चेंजेस हो गए उसके अंदर, कुछ चेंजेस होंगे और जो मास हमारा यहां की ओर निकलेगा वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो एट डिस्टेंस डी एस, हमने जो एलिमेंट कंसिडर किया उसका डिस्टेंस जो है, लेंथ है, डेट इज डी एस। जब हमने जो एलिमेंट कंसिडर किया, जो स्टीम ट्यूब कंसिडर किया, उसका एलिमेंट का लेंथ डी एस है, तो मास ऑफ फ्लूइड जो निकलेगा बाहर की ओर कितना निकलेगा, रो ए वी प्लस डेल अपॉन डेल एस, डेल अपॉन डेल एस ऑफ किसका, रो ए वी, जितना एंटर हुआ है उसका डेल अपॉन डेल एस, जितना डिस्टेंस फ्लो हुआ है इन टू डी एस, ठीक है। इसलिए हम ये क्वेश्चन लिखे। अब हमें ये पता चल गया द नेट मास ऑफ फ्लूइड, द नेट ऑफ, नेट मास ऑफ फ्लूइड दैट हैज रिमेन एन एलिमेंट कितना बचा रह गया पर यूनिट टाइम, क्या हो जाएगा, जितना एंटर हुआ माइनस जितना बाहर निकल रहा है,
ठीक है, जितना एंटर हो रहा है और जितना बाहर कितना बचा रहा, कितना रह गया, जितना अंदर आ रहा और जितना बाहर निकल रहा है उससे माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, कितना अमाउंट ऑफ हमारा जो मास ऑफ फ्लूइड, कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमारा उस एलिमेंट के अंदर है, इससे निकल आएगा। तो इक्वेशन हमारा ये क्या बनेगा, माइनस इससे ये कैंसिल, माइनस डेल अपॉन डेल एस रो ए वी डी एस, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब एंड मास ऑफ फ्लूइड इन द एलिमेंट इज ऑल्सो गिवन बाय, अब हमारा जो फ्लूइड एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है, जो एलिमेंट कंसीडर किया उसका भी कुछ मास होगा, उसका मास क्या है, रो इंटू ए इंटू डी एस, एरिया इंटू लेंथ, जितना हमारा हमने लिया, तो ये हो गया हमारा किसका मास, जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया, जो स्टीम ट्यूब कंसीडर किया उसका। अब क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मास भी चेंज होगा क्योंकि इसमें फ्लूइड एंटर हो रहा है, जैसे फ्लूइड एंटर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्लूइड एंटर होना स्टार्ट हुआ, तो फ्लूइड जैसे 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 अंदर बढ़ता जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा मास ऑफ फ्लूइड क्या, मास ऑफ ये एलिमेंट क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, वजन उसका, वेट क्या होता है उसका, मास क्या होता जाएगा उसका, चेंज होता जाएगा। तो जो मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज होगा वो कितना हो जाएगा, एंड इट रेट ऑफ इंक्रीज विथ टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल टी रो ए डी एस, और इससे हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल टी रो ए डी एस, लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है हमारा मास। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्व, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द नेट मास ऑफ फ्लूइड दैट रिमेन इन द एलिमेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास विथ टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द नेट मास ऑफ फ्लूइड दैट रिमेन इन द एलिमेंट पर यूनिट टाइम, पर्टिकुलर टाइम के लिए उस फ्लू हमने जो एलिमेंट कंसीडर किया उसमें जो फ्लूइड होगा, जो जो कि हमारा इक्वेशन 1 बना है, जितना फ्लूइड है इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास विथ टाइम, जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया उसका टाइम के साथ जो उसका वजन इंक्रीज हो रहा है उसके इक्वल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देयरफॉर माइनस रो अपॉन रो, दैट इज इक्वेशन 1, रो ए वी डी एस इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी रो ए, दिस इज माई इक्वेशन 2। ओके, डीएस डीएस से डीएस कैंसिल, रो अपॉन सॉरी डेल अपॉन डेल टी रो ए इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एस रो ए वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई डाउट? नाउ ये तो हमारा इक्वेशन आ गया फॉर 1 डायमेंशन के लिए, पर फॉर स्टडी फ्लो, फॉर स्टडी फ्लो वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। फॉर स्टडी फ्लो जो हमारा वेरिएशन होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। हेंस डेल अपॉन डेल एस रो ए वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो हमने क्या कहा, पैरामीटर्स स्टडी फ्लो में जो पैरामीटर्स होता है फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक के, फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, 0 होता है फॉर स्टडी फ्लो के लिए, स्टडी फ्लो के लिए 0 होता है। देयर फोर जब हमारा ये पूरा 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा, तो मैंने इतना ये लिखा। ठीक है, और आप इसे लिख सकते हो रो ए वी इज इक्वल टू 0।
ठीक है, और आप इसे ये भी लिख सकते हो कि रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू फॉर डिस्चार्ज एट सेक्शन 1-1 एट सेक्शन 2-2, ठीक है। और हम जानते हैं इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए रो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देयरफॉर जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन फाइनल जो बनेगा ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, ये था हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल फ्लो के लिए। ऐसे हमारा ये इक्वेशन बनेगा फॉर वन डायमेंशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे थ्री डायमेंशन में काम करता है, कैसे टू डायमेंशन में काम करता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।